हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और जैसा कि आपको पता है, सीपीओ का एग्ज़ाम भी हो गया 2019 का और एमटीएस भी हो गया, तो आगे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका क्या टारगेट है वो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल का क्या कटअप जाने वाला है इस बार। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को हमने लिया है। और आशा करते हैं कि वीडियो में अगर लास्ट तक आप बने रहें तो आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं एमटीएस के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें पिंग कीजिए, हम वहाँ पर कोई टीम मेम्बर आपको आंसर कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं कि वीडियो में किस किस टॉपिक पर बातें होंगी। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सर रिज़ल्ट कब आएगा एसएससी एमटीएस का। दूसरा, अगर रिज़ल्ट दूसरा टॉपिक है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, अगर आरटीआई की गई है, कोई आरटीआई किया है या क्या क्या नहीं किया है, तो उसका रिप्लाई क्या आया है। तो हमने नहीं किया लेकिन हमारे पास स्क्रीन शॉट है, हम आपको वो दिखा देंगे और पढ़ के भी सुना देंगे कि क्या रिप्लाई आया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वेस्ट बंगाल की, और कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी डीवी के लिए, फाइनल के लिए और प्री। तो ये तीनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। इसके बाद जितने भी सारे स्टेट्स हैं, अगर आपने कोई भी इसमें से स्टेट प्रेफरेंस चुना है जिसको आपको देखना है कि उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए भी वीडियो अलग से बना देंगे। और इस सीरीज़ में जितने भी सारे स्टेट्स हैं हम उसकी वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में रिक्रूटमेंट आई थी एमटीएस की और 24 नवंबर को इसका पेपर 2 हुआ था, ठीक है। और इसमें 95,000 अप्रॉक्स इतने स्टूडेंट्स सेकेंड पेपर में अपीयर हुए थे। और इसका आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर होता है ना टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव, उसको मैनुअली चेक किया जाता है, यानी कि पेन और पेपर लेके टीचर्स उसको चेक करते हैं, जिसमें कि टाइम लग जाता है। और कमीशन के हिसाब से जो मैनेजमेंट है एसएससी, उसके हिसाब से ये 2019 की रिक्रूटमेंट है और 2020 अभी हाल में शुरू हुआ है, तो उसके हिसाब से कोई भी डिले नहीं हुआ है अभी। इसका रीज़न मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि 2018 में सीपीओ का फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, CHSL का भी नहीं आया है और ना ही CGL का आया है, और ये तीनों ही क्वेश्चन RTI में भी पूछा गया, तो उसका रिप्लाई भी मैं दिखा दूंगा आपको कि क्या रिप्लाई है, ठीक है। CPO का रीज़न है कि उस पर जो केस चल रहा था, जो राजस्थान हाई कोर्ट में दर्ज था केस, तीन लोगों ने केस किया था कि उनकी हाइट 2017 में सही थी, उनके लिए फिट थे वो, और 2018 में कैसे कम हो गया, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया कि केस फाइल कर दिया, जिसके कारण कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा था एसएससी कमीशन पे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे। अब जब तक स्टे ऑर्डर नहीं हटता, रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती एसएससी, लेकिन हाल ही में जो केस है, केस तो जो चल रहा है वो ओपन है केस, लेकिन उस पर जो स्टे ऑर्डर लगा था एसएससी पे वो हटा दिया गया। तो आशा है कि आपका सीपीओ का रिज़ल्ट जनवरी में ही देखने को एंड तक मिल सकता है, 2018 का मैं बात कर रहा हूँ फाइनल, ठीक है। बात करें अगर उसके बाद, तो मैंने आपको बताया कि एमटीएस में 95,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और ये 2019 की रिक्रूटमेंट थी और 2020 अभी शुरू हुआ है, और 2018 की रिक्रूटमेंट जो थी CHSL की, उसमें 40,000 स्टूडेंट्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 स्टूडेंट्स थे। तो इसके अगर तुलना की जाए तो ये सबसे CHSL जो एमटीएस से पहले भी हुआ है, पहले की रिक्रूटमेंट थी, और इसमें टायर 2 में जो अपीयर हुए थे स्टूडेंट वो उनकी भी संख्या कम है। तो आशा है कि पहले सीपीओ CHSL का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही एमटीएस का रिज़ल्ट आएगा। बहुत सारे वीडियो में ये भी देखा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं
वीडियो बन रही है उस पर कि 25 को रिज़ल्ट आएगा, तो इस दिन रिज़ल्ट आएगा, तो आप अफवाहों में मत जाएं। आपका रिज़ल्ट जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक या फिर फरवरी के एंड तक देखा जा सकता है। उसके आगे कोई भी चांसेस नहीं है, और उसका रीज़न भी मैंने क्लियर कर दिया कि क्यों उसके चांसेस नहीं हैं, ठीक है। दूसरा बात है कि रिज़ल्ट के रिगार्डिंग आरटीआई, तो आरटीआई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है आरटीआई फाइनल स्टेट रिपोर्ट सीपीआईओ का। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट रिज़ल्ट ऑफ टायर टू ऑफ एसएससी एमटीएस 2019। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट रिज़ल्ट ऑफ टायर टू ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2018। और थर्ड क्वेश्चन था, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट रिज़ल्ट ऑफ टायर थ्री ऑफ एसएससी सीजीएल 2018। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो आंसर है उसको 14 तारीख को दिया गया था, डिस्क्लोज किया गया था इसको। तो इसको क्या आंसर दिया गया है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। हाउएवर, इट इज़ इंटीमेटेड दैट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट इज़ नॉट अवेलेबल विद द सीपीआईओ इन रिकॉर्ड फॉर्म। प्लीज़ विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन टाइम टू टाइम फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन। जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको टाइम टू टाइम, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, आप सभी को पता भी होगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको बोला गया है कि आप विज़िट करते रहिए टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट्स होगी वो अभी दे दिया जाएगा। और रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, ये तीनों रिज़ल्ट के रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है, साफ साफ आरटीआई में बोला गया है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर, जो फॉर्मेट हुआ था टायर टू में, जो पेपर हुआ था डिस्क्रिप्टिव, उनमें कुछ कुछ गलतियाँ की हैं, तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मार्क्स कटेंगे, क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लेटर किसी और मैटर पे लिखना था लेकिन आपने उसके उल्टा लिख दिया, या फिर उसमें उसको मेंशन ही नहीं किया, तो उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर, मैंने पेंसिल का यूज़ कर दिया। हालांकि पेंसिल का यूज़ डेकोरेशन यानी कि जो मार्जिन वगैरह होता है उसके लिए आप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एडमिट कार्ड था वहाँ पे साफ मना था, तो इसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे, इसके लिए तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बात करें, अगर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, तो ये भी सिली मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, तो इसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे, डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया जा सकता। हालांकि 2016 या पहले से ही दिया जाता है कि आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कभी, और ऐसा भी नहीं है कि इस साल भी हो, ठीक है। तो आपको उतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर, मैंने ऐड करके कुछ लिख दिया, मतलब जो नहीं दिया गया उसको भी लिख दिया गया। कि कोई स्टूडेंट बोला था कि सर, पिन कोड लिख दिया है मैंने, तो वहाँ पे पिन कोड लिखना भी बिल्कुल मना था, तो एक सीरियस इशू हो सकता है। इसके लिए आपके 5 से 6 मार्क्स भी कट सकते हैं। और पेपर टू जो होता है, मैं आपको बता दूँ, इसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं होता, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस इसको आपको पास करना है। ये मेरिट में इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, कोई भी रोल प्ले नहीं करता मेरिट डिसाइड करने में आपका, ठीक है। तो इसके अलावा एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर, मैंने सब्जेक्ट लिखना ही भूल गया। तो सबसे लेटर का जो बॉडी होता है उसमें सब्जेक्ट बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आप एलेबरेट कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं पूरे लेटर में, उसको एक लाइन में वो बता देता है, समझ जाते सब कोई, उसी से समझ में आ जाता है कि आप लेटर किस लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है उसका। तो वो एक थोड़ा सीरियस इशू हो सकता है, तो उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई तो नहीं करेगा, लेकिन आपके मार्क्स ज़्यादा कट सकते हैं, 5 से 6 मार्क्स आपके इसके कट सकते हैं। तो ये थी सारी डाउट्स। और इसके अलावा भी अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, हम लोग आंसर कर देंगे उसका। चलिए अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के 2016-17 का क्या कट ऑफ रहा था प्री का, डीवी के लिए और फाइनल के लिए, तो वो सभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्री की कट ऑफ है 2016-17 की, ठीक है। एससी गई थी 100, और यहाँ पे आपको चौंकना नहीं है, पहले जो एग्ज़ाम होता था 150 मार्क्स का होता था, ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। और एसटी 87, ओबीसी 101, एक्स सर्विसमैन 49.50,
OH का 93, HH का 49.50, VH का 76, जनरल का 110.50। और टोटल जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जो क्वालिफाई हुए थे, वो हुए थे 159,182, यानी कि 159,182 टोटल स्टूडेंट टायर टू के लिए क्वालिफाई हुए थे। और वैकेंसी जो थी आपकी 10.6 के करीब में आपकी वैकेंसी थी, 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने स्टूडेंट हुए थे, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट, सारे जो कैटेगरीज है उसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है, इतने एसटी में, इतने एससी में, ओबीसी में इतने। तो इस तरह आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीवी के लिए क्या कट ऑफ गई थी, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डीवी के लिए कट ऑफ गई थी आपका एससी के लिए 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ, एससी के लिए 127.25। और ये जो आप देख सकते हैं हैंड रिटन ये चार्ट है, जो कि हमारे टीम मेंबर ने तैयार किया है, तो आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों के साथ, जो भी स्टडी ग्रुप वगैरह हैं उसमें शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी के जितने भी हार्ड न्यूज़ है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो अगर आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसटी की अगर बात करें तो 114, एक सर्विसमैन की बात करें तो 91.5, ओएच की बात करें तो 117.75, एचएच की बात करें तो 101.25, ओबीसी की बात करें तो 121.25, वीएच की बात करें 115.75 और जनरल की बात करें तो 129.25। तो ये कट ऑफ गई थी डीवी के लिए। फाइनल की अगर बात करें तो अंतर अभी हम लोग देख लेंगे कि क्या अंतर रही थी। तो आप देख सकते हैं 125 एससी की थी लेकिन 129, चार अंक का अंतर, चार नंबर का। फिर 114 से 16.75, 2.75 का अंतर था एसटी में। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे 9 मार्क्स का, 8.5 मार्क्स का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, 103 है फाइनल के लिए। ओएच की बात करें तो यहाँ पे देखिए 117 है और यहाँ पे 126। एचएच की बात करें 101 से यहाँ 109। ओबीसी की बात करें यहाँ 121 है तो यहाँ पे 129। वीएच की बात करें 115.75 तो 127.25 और जनरल की बात करें 129 से 130.75। तो जनरल में उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जनरल का कट ऑफ ही सबसे ज़्यादा जाता है। तो ये थी डीवी के लिए और ये था आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस रही थी। और मैं आपको बता दूं कि एक सर्विस मैन का जो होता है वैकेंसी, उसमें अगर मान लीजिए कि 25 प्रीलिम्स में आपके 25 कट ऑफ जा रही है, तो लगभग उसमें 18 से 20 नंबर फाइनल के लिए उसमें डिफरेंस पड़ जाता है। तो आप ये मान के चलिए, जो भी ये एक सर्विस मैन वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 2019 में 18 से 25 एज ग्रुप वालों की प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हैंड रिटन चार्ट है जो कि हमारे टीम मेंबर ने तैयार किया है, 18 से 25 एज ग्रुप वाले। तो यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल भी दिया गया है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपना जो कट ऑफ है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा एक्यूरेट कि आपका इस बार सिलेक्शन हो ही रहा है पक्का, क्लियर कट। ईडब्ल्यूएस की पहले मार्क्स देख लेते हैं, क्या कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की। ईडब्ल्यूएस की गई थी 70.28, एससी की गई थी 71.90, एसटी की गई थी 56.75, ईएसएम की गई थी 20.97, ओएच की गई थी 59.88, एचएच की गई थी 39.99, ओबीसी की गई थी 70.24, वीएच की गई थी 52.67 और जनरल की गई थी 75.26। तो ये कट ऑफ गई थी, ठीक है। कैंडिडेट अवेलेबल यहाँ पे इसलिए बताया गया है, जैसे मान लीजिए आपका ऑल स्टेट प्रेफरेंस है, ठीक है, और आपका मार्क्स है 80, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपको कैटेगरी, आपको करना क्या है, आपकी कैटेगरी में ऑल स्टेट प्रेफरेंस में आपकी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर एससी 80 से कम है। तो मान लीजिए ऐसे 150 स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन वैकेंसी आपकी 180 है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ से भी आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था 18 से 25 एज ग्रुप वालों का। तो ये तो लॉजिकल प्रोसेस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है क्लियर कट फाइनल में, ठीक है।
अगर बात करें हम लोग 18 से 27 में वेस्ट बंगाल में क्या कट ऑफ जाएगी तो उसको भी देख लेते हैं। तो EWS की जो कट ऑफ है वो 77.98 गई थी, प्रीलिम्स की बात हो रही है यहाँ पे, SC की देखिए आप 73.53, ST की 60.13, ESM की कोई वैकेंसी नहीं थी, OH की वैकेंसी नहीं थी, VH की भी कोई वैकेंसी नहीं थी, HH की वैकेंसी थी 15, इसमें कट ऑफ किया था 50.05, OBC की 150 वैकेंसी थी, माफ़ कीजिएगा 150 कैंडिडेट अवेलेबल थे जिसमें 77.77 प्रीलिम्स का कट ऑफ किया था और जनरल का कट ऑफ किया था 80। तो आप देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है। अगर हम लोग, ये था प्रीलिम्स का कट ऑफ, अगर हम लोग बात करें फाइनल में क्या कट ऑफ जा सकती है उसकी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 18 से 25 एज ग्रुप में जैसे कि आपको पता होगा कि वैकेंसियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं तो क्या जा सकती है कट ऑफ। जैसे मान लीजिए EWS है तो आपका यहाँ पे 70 है, तो आप प्लस 5 मान के चलिए, यानी कि 75 या 76 मान के चलिए। SC की अगर बात करें तो यहाँ 71 है, तो यहाँ पे 78 पकड़ के चलिए। और यहाँ EWS की आप EWS के लिए आप 9 मार्क्स पकड़ के चलिए पूरे, क्योंकि इस बार बंगाल का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। तो आप 70 अगर है EWS का तो आप 79 मान के चलिए। SC की बात करें 71 है तो 76। ST की अगर माने हम लोग कट ऑफ क्या जा सकती है तो 56 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपकी 68 तक भी जा सकती है। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें OBC की तो OBC की यहाँ 70 है, लेकिन यहाँ पे 80 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, और जनरल की आप समझ लीजिए 85-90 भी जा सकती है इस बार, ठीक है। तो ये 18 से 25 एज ग्रुप वालों का है जो कि इतना कम है। और बात करें 18 से 27 एज ग्रुप वालों में तो इनका कट ऑफ और भी ज़्यादा जाएगा क्योंकि वैकेंसियाँ कम हैं। EWS की बात करें तो यहाँ पे 85 मान के चलिए आप, 85 अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ हैं फाइनल के लिए। SC की अगर बात करें तो 73 है यहाँ पे, तो आप इसमें यहाँ पे 80 मान के चलिए। ST की बात करें अगर 60 है तो यहाँ पे 70 या 71 लेकर चलिए आप मान के चलिए, अगर आपका इतना मार्क्स है। और इसी के आसपास एक दो नंबर कम या ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, इससे मतलब कम नहीं जा सकता, यही एग्जैक्ट आसपास है। उसी तरह बात करें, देखिए ESM में इसकी वैकेंसी नहीं है, तो 18 से 27 एज ग्रुप में, और OH में भी कोई वैकेंसियाँ नहीं है। HH की बात करें तो यहाँ पे 50 है, तो आप कम से कम यहाँ पे 60 मान कर चलिए, 9 नंबर इसमें ले के चलिए। बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, 9 नंबर 8 नंबर 77 अगर यहाँ है OBC की तो आप 86 मान कर चलिए। उसी तरह जनरल अगर 80 है तो यहाँ पर आप 89 या 90 भी मान सकते हैं। तो ये आपको इसी के आसपास जाएगा कट ऑफ, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये है सारी डिटेल्स फ्रेंड्स, और ये वीडियो का सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसके बाद हम लोग जितने भी सारे स्टेट्स हैं जो डिमांड्स किए जा रहे हैं उसके लिए हम लोग कट ऑफ लेके आते जा रहे हैं। तो चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए, ताकि जो आप स्टेट प्रेफरेंस दिए हैं उसमें आप देख सकें कि आप सेफ़ है कि नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैंडिडेट अवेलेबल जो हैं 2019 की PDF से आप वो भी चेक कर सकते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके अलावा चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो का अंत तक यहीं अंत ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।